हे दालवीज, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली टैरो रीडिंग करने वाली हूँ अगले वीक की। आई नो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन लेट्स सी यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या प्रिपेयर करा है और यूनिवर्स हमें कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। सो बेसिकली वी हैव थ्री पाइल्स, पाइल्स नंबर वन, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर थ्री। यू हैव टू चूज एनी वन जिसके थ्रू हम बताने वाले हैं कि अगला वीक आपका कैसा होने वाला है। अब अपन ये चीज साथ पे करने वाले हैं। टेक अ डीप ब्रेथ विद मी, कम ऑन एवरीवन। क्या? सो यू हैव थ्री चॉइसेस, पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी एंड पाइल नंबर सी। आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो एंड लेट्स सी कि आपके लिए ये वीक कैसा आने वाला है। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट एनर्जीज। सो देखकर डरना नहीं है एंड कुछ नेगेटिव नहीं है, इट्स ऑल ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट, इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो एंड लेट्स सी कि आपके लिए ये वीक कैसा आने वाला है। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट एनर्जीज। सो देखकर डरना नहीं है एंड कुछ नेगेटिव नहीं है, इट्स ऑल ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड आपने कौन सी पाइल चूज करी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपने पाइल नंबर वन चूज करा है तो आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, अब देखते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जिस चीज का आप जवाब मांगना चाहते हो यूनिवर्स से, सारे आंसर्स आपके पास आने वाले हैं। यू डोंट नीड टू स्ट्रेस आउट, बिल्कुल घबराओ नहीं। Conclusions are within reach. जिस चीज का आप जवाब मांगना चाहते हो यूनिवर्स से, सारे आंसर्स आपके पास आने वाले हैं। You don't need to stress out, बिल्कुल घबराओ नहीं। Trust the divine, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, वो जो करेंगे आपके लिए बेस्ट करेंगे। And chant more of affirmations, deep breathing करो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं। You deserve all the happiness and all the best. Comes the pile number two. अब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, वट एवर इट इज, लव, जॉब, सब बढ़िया होने वाला है। अगर पाइल नंबर वन था तो उसका मैंने रिजल्ट आपको बता दिया है। लेट्स टॉक अबाउट द पाइल नंबर टू, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स। कम्स द पाइल नंबर टू। अब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, वट एवर इट इज, लव, जॉब, सब बढ़िया होने वाला है। अगर पाइल नंबर वन था तो उसका मैंने रिजल्ट आपको बता दिया है। लेट्स टॉक अबाउट द पाइल नंबर टू, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स। Let's see what universe is trying to say. Do not let your past hold you back. इतना ज़्यादा past के बारे में बिल्कुल मत सोचो. Live your life. Future में बहुत चीज़ें आपका wait कर रही हैं. And whenever you are thinking about your past, आप future में चीज़ें लाने के लिए ready नहीं हो. You are not ready for the blessings. You are not ready for the opportunities जो आपकी life में आगे आने वाली हैं. अपने past के बारे में मत सोचो. चीज़ों को छोड़ दो. Just release it and trust the divine. Okay, now let's talk about the pile number three. That is more beautiful, I guess. Hopefully. Yeah. Wow, expert, powerful changes. Some sort of changes are coming in your life. Appreciate them and you deserve all the happiness. So the cards are very beautiful and it is very, very, very nice. All the best to everyone. The next week is going to be more beautiful, more positive for all my lovies. Hot tip for everyone. Do not wait for anything. सब जो भी आपके मन में है, अंदर है, उसको बाहर निकालो और लाइफ में बहुत प्यारे चेंजेस के लिए रेडी हो जाओ। सारे पॉजिटिव होने वाले हैं एंड बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं। राधे राधे।